स्प्लिट्सविला एक ऐसा रियलिटी शो जिसमें सिंगल लड़के और लड़कियां आते हैं और एक दूसरे से कनेक्शन बना के शो जीतना चाहते हैं। तो इस सीजन भी कुछ ऐसा ही है, 10 सिंगल लड़के और 10 सिंगल लड़कियां आए हैं इस शो में, कुछ अपना प्यार ढूंढने, कुछ शो जीतने और कुछ सिर्फ गालियां देने। एक तो ये चूतियों जैसी बातें करता हूँ, 100 चूतिया मरे हुए तो एक चूतिया पैदा हुआ होगा। पर यह सीजन बाकी सीजनों की तरह सेम नहीं है, इस सीजन में एक ट्विस्ट है। इस सीजन में ना भाई जितने भी सिंगल लोग आए हैं उनकी एक्स भी इस सीजन में आई है, अब होगा तबाही। तो आइए मिलते हैं पहले इस सीजन की पापा की परियों, मेरा मतलब है लड़कियों से, जो एक्चुअली में आलिया भट्ट लग रही थी। हाय एवरीवन, मेरा नाम आकृति नेगी है। आकृति क्यूट सेक्सी हॉट का पूरा मिक्सचर, और आकृति में गलत फहमी की भी मिक्सचर है। हेलो, माय नेम इज कशिश कपूर। कशिश मींस अट्रैक्शन, सो दैट इज मी। कशिश मींस अट्रैक्शन, बट योर संता एंड बंटा इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट मेरा जो इम्प्रेशन था दैट आई एम द टॉलेस्ट हियर। तो तुम वहाँ क्या कर रही हो क्यूटी, तुम्हें तो मेरे पास आ जाना चाहिए, मैं भी 6.3 फीट का हूँ। हाय, माय नेम इज रुशाली यादव। यादव है भाई, कास्ट भी सेम। इस शो की ना एक खासियत है शुरू सीजन से लेके अब तक की, कि बात कुछ भी हो लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज करने आता है। भीड़ में इतना क्यूट कैसे लग सकता है यार। शो शुरू हुआ नहीं कि शो के होस्ट की गांठ चाटनी शुरू कर दी। आपके हॉटनेस के चर्चे हिस्ट्री हो जाएंगे, आपके ऊपर रखे कपड़े भी इस्त्री हो जाएंगे। और अगर इसके बातों को तुमने सीरियसली लिया तो तुम्हारे आंड के पकौड़े बन जाएंगे। तो मुझे ऐसा चाहिए जो डोमिनेटिंग बिल्कुल ना हो। डोमिनेट अगर करना हो तो वो मैं करूँ, तुम मत करो। दूसरी बात, मैं जैसी हूँ मैं चाहती हूँ वो मुझे एक्सेप्ट करे। पर मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करूँगा, मुझे तो सिर्फ लड़कियाँ पसंद है। My name is Jashwant Bopanna and I'm back with another reality show. आपने मुझे रोडीज में तो देखा होगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं देखा। जब से रोडीज से रणविजय सर गए ना भाई, तब से रोडीज देखना छोड़ दिया। पर भाई एनिमल में तूने खुद के लिए डॉग क्यों चूज किया, तुझे खुद के बारे में इतना सच किसने बता दिया। स्प्लिट्सविला की एक और खास बात है कि इसमें कंटेस्टेंट ऑडिशन से कम और रोडीज से ज्यादा चुनाते हैं। My name is Shivit Tomar. इससे पहले आप लोगों ने मुझे रोडीज में देखा। रोडीज ना एक पोर्टल है, उस पोर्टल में अगर तुम घुसे तो वो पोर्टल तुम्हें सीधा स्प्लिट्सविला में निकाल देगा। हाँ, बस उसके लिए जब तक तुम रोडीज में हो तब तक तुम्हें वहाँ के गैंग लीडर्स की आंट चाटनी पड़ेगी। दूसरों की कहानी सुन के लोग चूज कर रहे हैं, टाइम लगे। 100 चूतिया मरे हो तो एक चूतिया पैदा हुआ होगा। अरे अरे दीदी, अपनी बात कर रही हो क्या? मैं बहुत हरामी टाइप का लग रहा हूँ। तेरे को देख के मेरे को कॉम्प्लेन देने का मन कर रहा है। भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुझे देख के मुझे पीरियड्स की गोलियां देने के मन कर रही है। उसकी पर्सनालिटी, ओह माय गॉड। मुझे लगा था कि मुझे बहुत सारी लड़के स्क्वीज बैंड देगी, बट कोई हाथ ही नहीं उठा रहा था स्क्वीज बैंड देने के लिए। लंबे होने का ना भाई कोई फायदा नहीं है। हाँ, पर लंबा है तो फायदा है भाई, तुम थोड़ा बादाम भी खाया करो, प्रोटीन सप्लीमेंट से तो सिर्फ बॉडी बनेगी दिमाग नहीं। मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठी है, जिसकी बातों से ही लोग हिल जाते हैं। भाई तब तो तुम अपनी हाथों का बिल्कुल यूज नहीं करते होगे, तुम्हारे तो बोलने से ही हिल जाता होगा। यार ये लड़की ना मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती यार, भाई इसको देखता हूँ ना भाई तो मेरा मन और खराब लगने लगता है। चलो एक ऐसी चीज के बारे में बताओ जो बिना ग्रेविटी के भी नीचे गिर जाती है, उर्फी जावेद का इज्जत। To see your exes up in Splitsvilla. मैं जब जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि बस मुझे शक्ल दिख गई ना किसी गलत इंसान की। डॉली की टपरी जैसी शक्ल होने के बावजूद भी इसके कितने एक्स हैं, कितने। और मुझे देखो यार, शाहरुख खान जैसा लगता हूँ पर एक भी एक्स नहीं है। सुनैरा कुछ बताइए मेरे गिफ्ट के बारे में। थूकी भी चुविंगम, मैं चुविंगम को थूकने के बाद कौन देखता है दोबारा। इमेजिन सेम चीज एक लड़का बोलता है एक लड़की के बारे में, थूकी हुई च्युइंगम है, यूज किया छोड़ दिया, तब वो लड़का How you feeling? I came here to move on. What the fuck is this? यार ऐसे क्यों कर रहे हो बेचारी के साथ? She came here to move on. What is this? चिंग चुंग पिंग चुंग ली। यार मैं उसके लैंग्वेज का ऐसे मजाक नहीं बना सकता। चिंग चुंग पिंग चुंग ली। I'm gonna give you a challenge. Yeah, okay. आपको एक स्प्लिट विलन को चूज करना है जिसको आप रोस्ट करेंगे। तुम बॉडी अच्छी है पर दिमाग नहीं है तेरे में, टाटू जैसे तेरे बाल है। रोस्ट का मतलब शायद उसे पता नहीं,
वो अपना उल्टी सीधी बात। भाई ने सच बोला यार, इसे रोस्ट का मतलब नहीं पता। अगर इसके जगह मैं वहां पे होता ना और मुझे सनी मैम बोलती कि इस एडी को रोस्ट करो, मैं तो भाई सीधा बोल देता कि मैं सिर्फ इंसानों को रोस्ट करता हूँ सनी मैम। मैं रिलेशनशिप में थी, हमारी एंगेजमेंट के एक महीने बाद ही उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया। हर छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाता था वो। कर मोर हग मी। सनी मैम मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी बात पे एक हक दे दो पहले सनी मैम। मैं गिरा हुआ बंदा जमाने ही चबली है। Happened to me as well. I just had this gut feeling that something was wrong. He was cheating on me. हाँ, यही तो सुनना बाकी था। Porn stars के भी cheating हो रही है। अभी बस Sunny Leon search करूँगा ना तो 4000 videos आ जाएंगे। With proof बता दूँगा कि कौन cheater है। Blocked me because he's fucking scared. गांड मार दी थी मैंने उसकी re-entry. हाँ, तुम्हारे सलवार में तो तलवार है जो तुम गांड मार दोगी। आप तीनों यहाँ इतनी सुंदर लड़कियाँ ऐसे कोने में क्या कर रही हैं? Why? These are the three girls that were the most undesirable for them. इन तीनों लड़कों की इतनी हिम्मत। गलत बात यार, गलत बात। उर्फी के होते हुए तुम किसी और को अनडिजायरेबल कैसे बोल सकते हो, जबकि उर्फी सबसे बड़ी अनडिजायरेबल है। यार उर्फी पर तुम ना बकचोदी बहुत करती हो यार। अभी तो शुरू ही नहीं किया है। एक्सक्यूज मी प्लीज। पर उर्फी तुम्हारे स्क्वीज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं गिरा हुआ बंदा जमाने ही चबली है। अब लोग जैसे ही डोब पे पहुंचते हैं वाह यार कितना सुंदर सेटअप है। जितना दिमाग शो के मेकर्स ने इस सेटअप को बनाने में लगाया, काश उतना ही दिमाग कंटेस्टेंट चूज करने में लगा देते। चले बढ़िया मेरी जान। मैं कहीं लप्पू नहीं जाता मेरी जिंदगी से ना, पहले भी रोडीज में बीच में शायरी आवाज। कहीं ये लप्पू ही तेरा आइडियल मैच तो नहीं? हाँ आइडियल मैच अगर बन जाओगे ना तो दोनों शादी कर लेना एक दूसरे से, फिर रात को बेड पर जमकर डांडिया खेलना। मैं आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। हाँ हाँ उर्फी आई है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर होगा। एक काम करो, किसी को कंघी का आउटफिट पहना दो, किसी को बर्थडे कैप पहना दो और किसी को अलादीन बना दो। खैर यार रोडीज हो, स्प्लिट्स विला हो या बिग बॉस हो, एक चीज तो कॉमन है, फाइट्स। पर ना भाई इनके फाइट्स भी 50 मीटर दूर से होते हैं, 1-on-1 फेस टू फेस नहीं, 50 मीटर दूर से। और जब ये फेस टू फेस आ जाते हैं उसके बाद, हाँ बोल क्या करेगा, क्या करेगा, मारेगा ले मार। अबे शुरू में तू ही कूद रहा था मारने के लिए, अब जब पास पहुंचा था तू कह रहा ले मारेगा। हाँ भाई एक दूसरे की बदबूदार सांस सूंघ लिया, अब लड़ने का नहीं, अब चलने का। लड़ाई किसी और की, लड़ाई किसी और से, ये क्यों कूद रहा है बीच में? ये इसलिए नहीं कूद रहा कि इसके शरीर में ताकत एकदम चर चर कर रही है कि किसी को मारने का मन कर रहा है, नहीं ये उस पर इसलिए कूद रहा है क्योंकि ये साइज में उससे बड़ा है, ये उसे टोचन दे सकता है। देखो इशिता, इस विला में अपनी जगह खुद ही बनानी होती है। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी जगह खुद से बनानी पड़ती है, ना कि कबाड़ी वाले के यहाँ से जाके 4-5 ड्रेस बनवा कर जगह बना ले। तपाई वाली चीज हो जाएगी ना, चल पर चिल। अभी आप दो लड़कियाँ एक लड़के के लिए लड़ रहे हैं, इनके माँ बाप ने इन्हें इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटी जब तुम बड़ी हो जाओ तो क्या नाम है इस पांडू का, हाँ दिग्विजय, दिग्विजय के बगल में खड़े होने के लिए एक दूसरे की गेंद फाड़ दो। खैर इस शो में जब तुम्हारा कनेक्शन बन जाता है और तुम अपने कनेक्शन के साथ कोई टास्क जीतते हो, उसके बाद तुम्हें मौका मिलता है ओरिकल के सामने जाने का। ओरिकल भाई तुम्हें बताएगा कि तुम एक आइडियल मैच हो या नहीं। अगर तुम आइडियल मैच बन गए तुम दोनों, तब तो भाई तुम इस दुनिया के पापा हो, मतलब स्प्लिट विला शो के पापा हो। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना भाई, ये आइडियल मैच बनने के बाद भी सिर्फ शो तक ही रहता है, शो के बाहर कोई किसी को नहीं जानता है। जो भी प्यार मोहब्बत इसके बिना मैं रह नहीं सकता, सब शो के लिए है। शो के बाद तो भाई तू कौन है भाई, मैं नहीं जानता तुझे। तो यार अब एक ऐसा टास्क होने वाला है जिसमें इन्हें अपना सीक्रेट बताना है, एक ऐसा सीक्रेट जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। ये सीक्रेट दुनिया के सामने आने से बचने के लिए इन्हें एक टास्क करना पड़ेगा। अगर ये जीत गए तो इन्हें सीक्रेट नहीं बतानी पड़ेगी, पर अगर ये हार गए। With more than one person on the same time. वाह जी वाह, सो पे आके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो भाई कितने लड़कों के साथ तूने सेक्स किया? विशाली? या? कान मन कर ले बेटा। मेरे को बस यही थी कुछ ऐसा ना हो क्योंकि I am very emotional. Made out with 2 cousins on the same night. मोहम्मद सलमान बिन अंसारी confirmed. भाई जब तू छोटा था तो चुटकी बजाने के सपने देखता ना, ये चुटकी बजाने के नहीं,
ये चुटकी बजाने के। नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मेरी भी बात चल रही है अभी शोबे का से, अभी स्टार्ट ही हुआ है, मेरे को बैंड नहीं मिला था कोई, बट मेरी बात स्टार्ट हो रखी है। चल क्या रहा है? उस दिन ये बाहर बैठा हुआ था, इसने अपनी शर्ट उतारी, इसके टैटूज दिखे मुझे, मेरे को लगा यही है बंदा बस। कपड़े उतार के टैटू दिखाते दिखाते टट्टे दिखा दिए क्या, जो तुझे पता लग गया कि यही बंदा है बस। अरे यार, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर मार देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।